हाय गाइस आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एमसीक्यू इसमें आता है हार्डवेयर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस और प्रिंटर के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन के आंसर आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस इनमें से कौन से कॉमन इनपुट डिवाइसेस है तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर कीबोर्ड और माउस विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस नहीं है तो राइट right आंसर होगा हमारा ए नंबर मोनिटर एंड प्रिंटर विच ऑफ आर बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा इनपुट के साथ साथ आउटपुट डिवाइस भी है तो राइट right आंसर होगा हमारा डी नंबर ओलोफ दिज मोडम्स हेडसेट्स टच स्क्रीन ये तीनों इनपुट के साथ साथ आउटपुट डिवाइस भी है वट हेडफोन्स एंड स्पीकर हेडफोन्स और स्पीकर जो है वो किस तरह की डिवाइस है तो राइट right आंसर क्या होगा बी नंबर आउटपुट डिवाइस है दोनों वट इज द फुल ऑफ यूएसबी इन डेटा केबल्स यू एस बी का फुल फॉर्म क्या होता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर यूनिवर्सल सीरियल बस विच डिवाइस अलाउस यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन टू अ कंप्यूटर इनमें से कौन सी डिवाइस है जो आपको अलाउ करती है किसी भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए तो राइट right आंसर होगा हमारा सी नंबर इनपुट डिवाइस इसी की मदद से हम किसी भी डेटा को अपने कंप्यूटर सिस्टम में ले जाते हैं फिश इनपुट डिवाइस इज़ यूज फॉर इनपुट टेक्स्ट नंबर्स एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी टेक्स्ट नंबर्स और कमांड्स को टाइप कर पाते हैं तो राइट right आंसर होगा हमारा सी नंबर कीबोर्ड और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है फिच प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ हार्ड कॉपीज किसी भी हार्ड कॉपी का गुड क्वालिटी कौन प्रोड्यूस करता है तो राइट right आंसर होगा हमारा इंकजेट प्रिंटर फिच इज द लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ मोनिटर सबसे कम एक्सपेंसिव टाइप का मोनिटर इनमें से कौन सा है तो राइट right आंसर होगा हमारा फर्स्ट नंबर सी आर टी मोनिटर्स और इसका फुल फॉर्म क्या होता है कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर कैथर्ड रे ट्यूब ये होता है सी आर टी का फुल फॉर्म वट काइंड ऑफ डिवाइस इज अ प्रिंटर प्रिंटर किस तरह की डिवाइस है इनपुट आउटपुट स्टोरेज या फिर ऑल ऑफ दिस तो राइट right आंसर क्या होगा बी नंबर आउटपुट व्हाट इज द क्वाटी की बोर्ड क्वाररिटी कीबोर्ड क्या होता है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर क्वरिटी की बोर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर की बोर्ड द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ की बोर्ड इज किसी भी कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज कितनी होती है तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर बारह एफ F1 से एफ तक जो की होती है उसी को हम फंक्शन की कहते हैं और ये टोटल 12 होती है कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर ऑल्सो एज कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की को हम किस और नाम से भी जानते हैं तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर मोडिफायर की भी इन्हीं को कहा जाता है माउस माउस इज नोन एज को और किस नाम से जानते हैं तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर पॉइंटिंग पॉइंटिंग डिवाइस डिवाइस को हम माउस भी कहते हैं फिच ऑफ द फॉलोइंग आर फोलोइंगल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस अब इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है तो एक आपने जाना कि हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं करेक्ट आंसर होगा हमारा यहां पे डी नंबर ये सभी फर्स्ट लाइट पेन, माउस टच स्क्रीन, इन सभी को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं द माउस जनरली हैज माउस में जनरली क्या होता है तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर थ्री बटन्स। तीन बटन होते हैं लेफ्ट राइट और स्क्रोल द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉस डेवलप्ड बाय फर्स्ट कंप्यूटर माउस किसके द्वारा डेवलप किया गया था तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर डोगलस एंजल बट के द्वारा ऑप्टिकल माउस वॉश बिल्ट बाय अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ऑप्टिकल माउस किसके द्वारा बनाया गया था तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऑप्टिकल माउस बनाया गया था 1999 में, 1999 में में ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन एन ऑप्टिकल माउस ऑप्टिकल माउस में हम इनमें से किसका यूज करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर एलईडी का वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछता है एलईडी का फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर बोथ फर्स्ट है लाइट इमिटिंग डायोड या फिर आप इसे लिक्विड इमिटेड डायोड भी कह सकते हैं वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू वायरलेस माउस किसके थ्रू हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करता है तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर रेडियो वेव्स के थ्रू द यूज ऑफ टैब की इन द कीबोर्ड इज हम अपने कीबोर्ड में टैब की का किस लिए यूज करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर बोथ ए एंड बी फर्स्ट इसका यूज है टू मूव अ कर्सर एकरोस द स्क्रीन पूरे स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए भी हम टैब की का यूज करते हैं सेकेंड यूज है टू मूव द कर्जर डाउन द स्क्रीन डाउन द स्क्रीन के लिए भी हम टैब की का यूज करते हैं फिच कीबोर्ड की वी यूज टू मेक करेक्टर्स इधर अपर और लोअर केस इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा अभी आप कैप्स स्लो की को भूल जाइए जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में शिफ्ट बटन को प्रेस करके कुछ भी लिखते हैं तो वो कैपिटल में लिखाता है लेकिन जब हम शिफ्ट बटन को छोड़ देते हैं और कुछ भी टाइप करते हैं तो वो लोअर केस में लिखाता है इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर अगर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके कुछ भी टाइप करेंगे तो वो अपर केस में आएगा और शिफ्ट बटन को जब आप छोड़ देंगे और कुछ भी लिखेंगे तो वो लोअर केस में आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है इंटरव्यू में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है इसलिए आप इसे याद रखेंगे फॉलोइंग इज और आर इनपुट डिवाइसेस इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर ओलोफ दर ट्रैक बोल और टच स्क्रीन ये सभी क्या है इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है वट इज अ फंक्शन ऑफ अ कीबोर्ड इन कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या फंक्शन होता है क्या काम होता है तो राइट आंसर होगा सी नंबर इनपुट हम अपने अपने कीबोर्ड के थ्रू ही कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डेटा को एंटर करते हैं फिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोटन आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी नंबर स्कैनर द ओ सी आर स्टैंड फॉर ओ सी आर का फुल फॉर्म क्या होता है करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर विच इनपुट डिवाइस इज मेनली यूज टू डिटेक्ट मार्क ऑन पेपर इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस सबसे ज्यादा यूज की जाती है किसी भी पेपर में जो भी मार्क होते हैं उसे डिटेक्ट करने के लिए तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा सी नंबर ओ एम आर इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। कहीं पे आपको ऑप्टिकल मार्क रीडर भी मिलेगा तो वो भी गलत नहीं है फिच इनपुट डिवाइस इज यूज इन बैंक फॉर प्रोसेसिंग चेक हम बैंक में कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं चेक प्रोसेसिंग के लिए तो करेक्ट आंसर होगा हमारा एम आई सी आर बी नंबर और इसका फुल फॉर्म क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर ये एम आई सी आर का फुल फॉर्म होता है पूरा नाम होता है एनी फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी एंड टच इज ऐसा कौन सा कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है जिसे हम देख सकते हैं और साथ ही साथ छू भी सकते हैं तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर हार्डवेयर फिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इनपुट इन टू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इनमें से कौन सा मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इनपुट को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए तो राइट right आंसर होगा हमारा सी नंबर सीपीयू सी पी एक प्रोसेसिंग डिवाइस है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ विच मेजर कंपोनेंट्स सीपीयू में इनमें से कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर ए एल यू सी यू एंड रजिस्टर्स फिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हार्डवेयर इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है तो राइट right आंसर क्या होगा ए नंबर जावा फिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस नहीं है तो आपको पता होना चाहिए करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर प्लोटर प्रोजेक्टर हेडफोन्स ये इनपुट डिवाइस नहीं है Which ऑफ द फॉलोइंग इज not अ टाइप ऑफ माउस इनमें से माउस का टाइप कौन सा नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर इलेक्ट्रिको मैकेनिकल माउस ये माउस का टाइप नहीं है बाकी जो आप तीन देख रहे हैं ऑप्टिकल वायरलेस और मैकेनिकल ये तीनों माउस के टाइप हैं Which कीज आर ऑल्सो नोन एज मोडिफायर की मोडिफायर की के नाम से भी हम किसे जानते हैं तो अब आप इस क्वेश्चन को जरूर बता पाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर ऑफ दिस अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट की को ही हम मोडिफायर की भी कहते हैं विच कीज आर ऑल्सो नोन एज टोगल कीज कीबोर्ड के किस की को हम टोगल की के नाम से भी जानते हैं तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर बोथ ए एंड बी कंट्रोल एंटर कैप्स और नम लोक इन चारों की को हम टोगल की भी कहते हैं फिश की इज यूज टू इंडेंट आ पैराग्राफ पैराग्राफ इंडेंट के लिए हम इनमें से किस की का यूज करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर टैब और पैराग्राफ इंडेंट का शॉर्टकट की क्या होता है यह आपको बताना है क्योंकि मैंने शॉर्टकट की के वीडियो में डिटेल में बताया है की स्टार्ट मेनू स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए कीबोर्ड के किस की का यूज किया जाता है करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर विंडोज विच की इरेज डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड करेक्टर्स ऑन द स्क्रीन इनमें से किस की का हम यूज करते हैं कंप्यूटर के मेमोरी के डेटा को इरेज करने के लिए और किसी भी करेक्टर्स को जो हमारे स्क्रीन पे है उसे भी डिलीट करने के लिए इरेज करने के लिए तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर डिलीट जब आप उसे सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वो इरेज हो जाएगा विच बर्स इज यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेज किस बस का यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए तो राइट right आंसर होगा हमारा सी नंबर एक्सटर्नल एक्सटर्नल बस का यूज़ करते हैं हम एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड्स बैटरी बैकअप पावर इनमें से कौन सी डिवाइस बैटरी बैकअप पावर को प्रोवाइड करती है तो राइट right आंसर होगा डी नंबर यूपीएस और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे चार ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर अन इंटरप्टिबल पावर सप्लाई ये यूपीएस का फुल नेम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा इंटीग्रल पार्ट नहीं है इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर यूपीएस। यूपीएस का हम यूज़ करते हैं बैटरी बैकअप के लिए अगर ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ना हो तो भी हमारा कंप्यूटर उतना ही चलेगा जितना चलता है बस अगर आप किसी इंपॉर्टेंट फाइल पे काम कर रहे हैं और अचानक से अगर लाइट चली जाती है तो आपका फाइल लॉस हो सकता है इसीलिए हम यूपीएस का यूज़ करते हैं ताकि लाइट चले जाने के बाद भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को 10 से 15 मिनट तक यूज कर सकें और उस फाइल को एट सेव कर लें विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर प्रोसेसर के स्पीड को आप इनमें से किसके द्वारा मापेंगे तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर क्लॉक स्पीड से हम प्रोसेसर के स्पीड को मापते हैं सीपीयू को ही हम प्रोसेसर भी कहते हैं वट इज द फुल का फुल फ हैेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस सी पी यू इज फेब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड दैट इज नोन एज तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी नंबर मदर बोर्ड द मेन टास्क ऑफ द सी पी यू इज टू सीपीयू का मेन टास्क क्या होता है मेन काम क्या होता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर प्रोसेस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इन्हें प्रोसेस करने के लिए हम सीपीयू का यूज करते हैं इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू पी इज नथिंग बट सीपीयू का इंटरनल मेमोरी क्या है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर असेट ऑफ रजिस्टर्स विच मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सी पी यू सी पी यू से कौन सी मेमोरी यूनिट है जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर मेन मेमोरी इसी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कम्पोनेंट्स रिमेन्स ऑन द मदर बोर्ड इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो हमेशा मदर बोर्ड में होता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर ऑल ऑफ दी अबब ये सभी विच मेमोरी इज़ यूज फॉर स्टोरिंग डेटा एंड प्रोग्राम करेंटली बींग एग्जीक्यूटेड बाय सी पी यू इनमें से किस मेमोरी का यूज़ किया जाता है किसी भी डेटा को स्टोर या फिर किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए जो सी पी यू के द्वारा रिसेंटली ही एग्जीक्यूट किया गया है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर इंटरनल मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो हमारे सीपीयू की मेन मेमोरी होती है वही इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वट ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस कंप्यूटर माउस किस तरह की डिवाइस है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर बोथ ए एंड सी फर्स्ट है इनपुट माउस हमारा इनपुट डिवाइस होता है और इसी को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर विच बटन इज ऑल्सो नोन एज आ मिडिल बटन यूज एज थर्ड माउस बटन तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर स्क्रोल व्हील माउस का ये मिडिल बटन है और इसी को थर्ड बटन भी कहते हैं नाम होता है स्क्रोल व्हील आ जोएस्टिक इज प्राइमरली यूज फॉर विच पर्पज हम कंप्यूटर में अपने जोएस्टिक का किस परपज़ से यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर कंप्यूटर गेमिंग के लिए विच इनपुट डिवाइस इज़ यूज फॉर मेकिंग अटेंडेंस ऑफ इम्प्लॉयज़ एंड सिक्योरिटी परपज़ इनमें से कौन सी डिवाइस है जो यूज़ की जाती है किसी भी एम्प्लॉय के अटेंडेंस को बनाने के लिए और सिक्योरिटी परपज़ से भी और वो इनपुट डिवाइस है तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी नंबर बायोमेट्रिक सेंसर ओ सी आर इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओ सी आर का हम किस लिए यूज करते हैं क्या प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा डी नंबर ऑल ऑफ़ दिस फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए टेलीफोन बिल्स के लिए और इंश्योरेंस प्रीमियम इन तीनों चीजों के लिए हम ओ का यूज करते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कमेंट में लिख के जरूर से बताइएगा फिर से फॉलोइंग टाइप ऑफ स्मार्ट कार्ड रीडर स्मार्ट कार्ड रीडर का इनमें से कौन सा टाइप है एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर बोथ ए एंड बी फर्स्ट है मेमोरी कार्ड रीडर और सेकेंड माइक्रो प्रोसेसर कार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस इनमें से किसे कहा जाता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर वेब कैम वट काइंड ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा डिजिटल कैमरा किस तरह की डिवाइस है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ विज़ुअल डिस्प्ले यूनिट और वी डी यू इनमें से कौन सी डिवाइस है जिसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है वी डी यू तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर मोनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं और इसी का शॉर्ट फॉर्म वी डी यू भी होता है कई बार एग्जाम में पूछता है वीडियो स्टैंड फॉर तो आप बता पाएंगे हम उम्मीद करते हैं एल सी डी स्टैंड एल सी डी का फुल फॉर्म क्या होता है करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी नंबर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वट डज टी एफ टी स्टैंड टी एफ टी का फुल फॉर्म क्या होता है करेक्ट आंसर होगा सी नंबर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर द स्पीड ऑफ आ प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन किसी भी प्रिंटर के स्पीड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर ओलोफ इन सभी तरीकों से पहला है करेक्टर पर सेकेंड जिसे शॉर्ट में सी भी कहते हैं सेकेंड पेज पर मिनट शॉर्ट में पीपीएम कहते हैं और थर्ड हमारा लाइंस पर मिनट एलपीएम पी इन तीनों तरीके से आप प्रिंटर के स्पीड को मेजर कर सकते हैं सभी का फुल फॉर्म याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिंटर से विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरेट्स हाई क्वालिटी आउटपुट इनमें से कौन सी डिवाइस है जो हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करती है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर नन इम्पैक्ट प्रिंटर ये प्रिंटर का नाम है स्विच प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट ओनली करेक्टर्स एंड सिम्बल्स एंड कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो सिर्फ़ करेक्टर्स और सिम्बल्स को ही प्रिंट कर सकता है अगर उसमें कोई ग्राफिक्स हो तो उसे वो प्रिंट नहीं करेगा तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा डी नंबर डायसी व्हील प्रिंटर ये प्रिंटर सिर्फ करेक्टर और सिंबल को प्रिंट करता है ग्राफिक्स अगर रहेगा तो उसे छोड़ देगा विच प्रिंटर्स आर वाइडली यूज इन मशीन मशीन में हम किस प्रिंटर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर थर्मल प्रिंटर्स वट इज मेन एडवांटेज ऑफ डोट मैट्रिक्स प्रिंटर डोट मैट्रिक्स प्रिंटर का मेन एडवांटेज क्या होता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर टू मेक कार्बन कॉपी कार्बन कॉपी बनाने के लिए हम डोट मैट्रिक प्रिंटर का यूज करते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच प्रिंटर इज एग्जाम्पल ऑफ डोट मैट्रिक प्रिंटर डोट मैट्रिक प्रिंटर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है तो राइट right आंसर होगा हमारा ए नंबर करेक्टर प्रिंटर तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें